नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। दोस्तों आज फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों आप बता दें कि 7 पे कमीशन, जी हाँ दोस्तों 7 पे कमीशन यानी के केंद्र कर्मचारी और तमाम पेंशन धारकों को निर्मला सीतारमण द्वारा बजट से पेंशन धारकों को बड़ा ही तोहफा दे दिया गया है। दोस्तों 1 करोड़ लाभार्थियों की पेंशन में हुई बढ़ोतरी, जी हाँ दोस्तों 1 लाख पेंशन धारकों की जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है 4% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे कि पेंशनधारक खुशी से झूम उठे हैं। दोस्तों अगर आप एक पेंशनधारक हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं कराया, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों तो दोस्तों आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दे देते हैं किस पेंशन के तहत कितना पैसा मिलने वाला है, कितनी बढ़ोतरी किस पेंशन के तहत हुई है। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है एजी ऑफिस बदरहुड के पूर्व अध्यक्ष और सिटीजंस बदरहुड के अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने बताया कि इस बार भी महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं बजट 2021 से पहले केंद्रीय कर्मचारी की लॉटरी लग चुकी है। दोस्तों इसके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है, जिससे कि केंद्र कर्मचारियों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है पूरी जानकारी के साथ, जो लेबर ऑफिस ने जुलाई 2020 में दिसंबर 2020 तक के AICPI के आंकड़े जारी कर दिए हैं दोस्तों, और इसमें इस बार केंद्र कर्मचारियों के DA में 4% हाइक तय है। दोस्तों और दोस्तों यहाँ पे आगे बताया गया है पूरी जानकारी के साथ, आपको बता दें कि यहाँ पर जो कोरोना वायरस के कारण महंगाई भत्ता फिलहाल फ्री है। दोस्तों इस समय केंद्र कर्मचारियों को जो डी है वो 17% है। दोस्तों यहाँ पे केंद्र कर्मचारियों को बहुत ही बड़ा तोहफा दिया गया है, जिससे कि केंद्र कर्मचारी खुशी से झूम उठे। जो अन्य पेंशनधारक है उनके लिए भी 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों और यहाँ पर बताया गया है कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी को जून 2021 तक फ्रीज कर दिया। दोस्तों यानी कि आपको जो 2021 तक पेंशन धारक है उनके लिए बढ़ोतरी नहीं की गई है, 2021 जून के बाद ही इसमें कुछ बढ़ोतरी की जाएगी पेंशन धारकों के लिए। दोस्तों और आगे बताया गया है इसमें पूरी जानकारी के साथ, जो 7वें पे कमीशन दोस्तों कोरोना महामारी के कारण सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 तक के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी फ्रीज कर दिया। दोस्तों यानी कि यहाँ पर बताया गया है 21 जुलाई, यानी कि दोस्तों 2021 जुलाई तक कोई महंगाई यानी कि पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी या फ्रीज कर दी गई है। दोस्तों यहां पे आगे बताया गया है पूरी जानकारी के साथ, आप देख सकते हैं पेंशन की महंगाई राहत की रकम जो है दोस्तों वह भी 1 जुलाई 2021 तक बढ़ेगी, यानी कि 1 जुलाई 2021 के बाद ही पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। इस फैसले से सरकार को FY 2021-2022 में कुल 37,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। दोस्तों यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है, यानी कि यहाँ पे बताया गया है दोस्तों FY 2021-22 में कुल जो पैसा है दोस्तों यहाँ पे 37,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। आगे यहाँ पे बताया गया है दोस्तों पूरी जानकारी के साथ, आप देख सकते हैं कितना पैसा यहाँ पर दिया गया है, पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों अगर आप भी एक पेंशन धारक है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।